अस्सलाम वालेकुम गाइस, रहम मलिक किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी। चलो बनाते हैं इसको। गर्म पानी में मैक्रोनी को डाल देंगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं। इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने हम अपना मसाला तैयार करते हैं दूसरी तरफ। इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे तेल गरम होने के लिए। हमारा तेल हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा भुन चुका है, अब इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। ये दो प्याज हैं, इसको हम भून लेंगे। इसको हल्का हल्का भून लेंगे और एक तरफ ये चलाते रहेंगे ताकि ये हमारी लगे नहीं। अभी हमारी भून चुकी है, अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और ये बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। हल्का सा भून गया है तो इसमें थोड़े से हल्दी डाल देंगे और फिर भून लेंगे इसको। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। चाट मसाला डाल देंगे। ये हमारा भून चुका है, अब हम इसको देख लेते हैं। ये भी हमारी गल चुकी है, अब इसको पानी में से निकाल लेंगे। देखो, अब इसको हम पानी में से निकाल लेंगे। ये भी हमारा भून चुका है, अब इसमें हम मैक्रोनी डाल देते हैं अपनी। इसको मैंने ठंडे पानी से धो लिया था ताकि चिपके नहीं। अब इसको मिक्स कर देंगे इसमें। इसमें हम अपना मैगी मसाला डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए इसको बनने देंगे। ये हमारी मैक्रोनी बन गई है, इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। गैस को कर देंगे बंद, अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी मैक्रोनी कितनी अच्छी बनी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।